बीते दो सालों से देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। इसी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था भी चरमरा सी गई थी। अब जब कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे अपनी पटरी पर लौट रही है। इसी बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल में इस बार भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। CBDT प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.09 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया है, यानी इसमें 49.02% की बढ़ोतरी हुई है। JB महापात्रा ने आगे बताया कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में वापसी के संकेत हैं। महापात्र ने एक सम्मेलन के अंत में कहा कि 2021-22 का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 2018-19 में हासिल किए गए 11.37 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ अधिक है। उन्होंने कहा कि 2021-22 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.75% से अधिक की वृद्धि दिखाते हुए 16.34 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया है। महापात्र ने ये भी बताया कि पहली बार प्रत्यक्ष कर संग्रह ने अप्रत्यक्ष कर संग्रह को पछाड़ दिया है, जो कि कुल कर संग्रह का 52% है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ सालों में इसे 60% करने का लक्ष्य है और अगले 15 सालों में टैक्स GDP अनुपात को मौजूदा 12% से बढ़ाकर 15% करना है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खबर भी, सरोकार भी, हर कदम, हर डगर, हर मोर्चे पर तैयार भी, पक्ष हो या विपक्ष, बात वही जो है सच, सही और दमदार भी। गांव, कस्बा, शहर, नगर, रुक न पाए कोई खबर, असर भी, असरदार भी, खबर भी, सरोकार भी। लल्लूराम.com, सच कहेंगे लल्लूराम।